ये बहुत ही करीबी मामा हो सकता है। रोनाल्डिनो रोनाल्डिनो गोल। में बहुत ही जोश और मैं देख रहा हूं कि रोनाल्डिनो ने 2-0 की लीड दिला दी। और स्टीफन डिलाने ने यह गोल करने की कोशिश की लेकिन वो गोल कर नहीं पाए। कमीची मौजूद है, वो कुछ कर सकते हैं। और यह आए जूलियो बाप्टिस्टा, उन्होंने खत्म करने की कोशिश की लेकिन सब उल्टा हो गया। बार्सिलोना के लिए मेसी, वो अकेले ही जा पहुंचे हैं बार्सा के स्पेस में। उन्हें माफ किया सबेलेटो ने। और ये गोल, ये कमाल का गोल कर दिया है। क्या बात है, बार्सिलोना का जवाब नहीं। आज यहां बर्नबाउ में काफी लोग नाराज हैं, खासकर केविन हैरिस से। वो हीरो बनकर आए थे, अब लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। रोनाल्डिन्हो के आगे बहुत ही खाली जगह है, सर्जियो रामोस उनके इंतजार में। रोनाल्डिन्हो आगे बढ़े, रोनाल्डिन्हो ने 3-0 की लीड ले ली है। रोनाल्डिन्हो ने स्कोर कर दिया 3-0। शानदार तीसरे गोल से खेल खत्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां स्टेडियम से आ रही गड़गड़ाहट की आवाज सुनिए, लगता है मानो पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा हो। वाह, क्या जबरदस्त जोश है इन लड़कों के पास। और मुनियेज, आज हम उनका ज्यादा खेल नहीं देख पाए हैं। एलन शीरर के साथ गिव एंड गो की कोशिश में क्या तेज दौड़ लगाई है मुनियेज ने, यकीन नहीं होता। न्यूकासल के सबसे नए और नौजवान खिलाड़ी ने फैंस को जश्न मनाने का एक और मौका दिया। उनके राइट में सपोर्ट मौजूद है, स्टीवन कार, एक फ्री हेडर और ये गोल। न्यूकासल के लिए एक सपने जैसी शुरुआत। रोज पेटल्स के बारे में क्या कह रही हो? ओह भूल गई। वेल, रेड रोज पेटल्स रख सकते हैं लेकिन इस कंटेनर में। रख सकते हैं लेकिन उन कंटेनर में। ओके, हेलो। हाय सेंटी। कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, रोज सुनो, मुझे अब जाना चाहिए। ओके, चलो। बाय बाय। 5 बजने वाले हैं, वेडिंग प्लानर के साथ 4 बजे मीटिंग थी। सॉरी रोज, मैं वो वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। कम ऑन, ये काम हमें साथ में करना था। पर कौन से कलर के फूल लगाने हैं मुझे क्या पता, तुम बस आ जाओगी तो मेरे लिए काफी होगा। तुम लैटिन लड़के कितने चालाक होते हो। शादी में तो आओगी ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो। ओह नो, जाओ पहले नहा कर आओ। जश्न तो बनता है, ये तुम्हारे नए घर के नाम और जिंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले। Come on, Mom. अरे वैसे मेरी मानो तो तुम बच कर रहना सैंटी, देखो मैं कहाँ कर फंस गया। खुश किस्मत हो जो मैंने तुम्हें हाँ कर दी। बताओ कि एक्स्ट्रा हॉट बिन डालू कैसा रहेगा? मुझे चलेगा।
थोड़ा सोच समझ के बात करो, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। हेलो स्ट्रेंजर। हेलो। क्या बात है, मेरा नंबर तुमसे खो गया है? हम बस ऑर्डर ही करने वाले थे। नहीं शुक्रिया, तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर, अकेले में। भाई मैं तो बिंदालू खा रहा हूँ। क्या प्लान है, क्या खा रहे हो? तो खाने का ऑर्डर दिया जाए। अरे बाप रे, मैं घंटों से फोन पर लगा हुआ था। वो वाकई सीरियस है? वो हमसे मिलना चाहते हैं। चुप रहना, ओके? तुम्हारे 2 साल बाकी है ना न्यूकासल के साथ? न्यूकासल को मत छोड़ना वरना फैंस पागल हो जाएंगे। उन्होंने कुछ ऑफर नहीं किया है, बस मीटिंग है। तो वो मिलने कब आ रहे हैं? वो नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलूंगा जापान में। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब, 9 बार यूरोपियन चैंपियंस, 29 स्पैनिश लीग टाइटल्स, 12 स्पैनिश कप्स, 1 सुपर कप। वो हर समर में टोक्यो आते हैं, पूरी की पूरी फौज। बेकम, राउल, रोनाल्डो, रोबर्टो कार्लोस, जिदान, हैरिस, मुनियेज। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। सेंटी कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? हमारे क्लब में आपका स्वागत है, और इनसे मिलिए, ये है हमारे कोच। एवन रिबारा। मिलकर खुशी हुई सर। सॉरी तुम्हें इतनी जल्दबाजी में बुलाया। ओह कोई बात नहीं, हमें सैंटियागो चाहिए, हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी फैसला करना होगा। ट्रांसफर विंडो कल रात को बंद हो रही है। जानता हूँ। ओके चलो जल्दी चले। चलो। तुम्हें पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समझे तुम? तुम्हें मैड्रिड से नफरत हो जाएगी, वहाँ सब स्पैनिश ही बोलते हैं। कैसे हो तुम गैविनो? बढ़िया। हमने अभी हाँ नहीं कहा। क्या पागल तो नहीं हो? 10% कमीशन से तो अपनी चेस वैक्सिंग और ब्लॉन्ड हाइलाइट्स करवा सकते थे। ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्त, रोज और मैंने अभी नया घर लिया है। और तुम इतनी दूर आधी दुनिया का चक्कर सिर्फ कराओ के सुनने आए हो क्या? रियल मैड्रिड को कोई ना नहीं कहता बेवकूफ। नहीं पर मैं ओवेन की तरह सीजन बेंच पर नहीं बिताना चाहता, वो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों में से, मैं पागल हो जाऊंगा। कैसे हैं सर? कोच है। जेंटलमैन, हेवन डिमर्वा, आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आया। थैंक यू। तुम करियर के बारे में कोई सलाह तो नहीं दे रहे थे ना? नहीं, ये दिखावा कर रहा है कि इसे कोई फैसला कर रहा है। एक सलाह देना चाहूंगा, सबसे पहले अपने दिल की सुनो और फिर अपने दिमाग की, उसके बाद जो बीवी कहे वो करो। ठीक है मिस्टर राइट। सॉरी डॉक्टर। No comments. Sir,
माइकल अर्विन न्यूकासल फैंस का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं जो उनके स्वागत के लिए इस टीम जेम्स पार्क में इकट्ठा हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सैंटियागो मुनियास रियल मैड्रिड के साथ 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जाने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, आपको पता है रॉस कहाँ मिलेगी? हाँ, सीधा जाकर लेफ्ट की तरफ। थैंक यू। लो आ गया मेरी प्यारी रोजलाइन को परेशान करने वाला शैतान, तुम बहुत बदनाम हो गए हो। आप ज्यादा मत बोलिए मिस्टर आइव्स, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रॉस, मैंने तुम्हें फोन लगाया था। तुम्हें और वक्त मांगना चाहिए। मैंने कोशिश की थी। रॉस, देखो, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये नहीं बदलेगा। पर अब हमारे पास बच्चे और जिम्मेदारियाँ नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं। बंद करो बेड के साथ खेलना। आई एम सॉरी। हम घूम सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस तुम और मैं। पता नहीं, मैं स्पेन में नहीं रहना चाहती। मेरा मतलब, मुझे न्यूकासल पसंद है। मुझे भी पसंद है। ये शहर मेरे लिए कितना अच्छा साबित हुआ है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा ना मिलता। तुम वैसे इसकी बात में दम है, पर हमारी शादी और हमारे नए घर का क्या? और मैं ये नौकरी करना चाहती हूँ। जानता हूँ, जानता हूँ। मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तुम्हारी छुट्टी हो तब तो मिल नहीं सकती हो, ये कैसा रहेगा? और वक्त मिले तो मैं आऊंगा। रॉस, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। ये मेरी जिंदगी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें मौजूद रहो, मेरे साथ रहो। मुझे तो स्पैनिश भी नहीं आती। मैं सिखा दूंगा। I'm not eating paella. Hey. इधर आओ। तुम दोनों मेरा एक काम करोगे? जब तुम गैविन हैरिस से मिलो तो उसे कहना तुम निकम्मे हो। सभी का यहाँ स्वागत है और साथ ही यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक से, जिसे आप सब बहुत चाहते हैं। इस टीम में आने के लिए तुम सबको बेस्ट विशेस। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा फैंस जमा हुए हैं आज यहाँ बर्नबाउ में रियल के लेडीज खिलाड़ी सैंटियागो मुनियास का स्वागत करने के लिए, जो कि इंग्लिश प्रीमियरशिप से ट्रांसफर होकर आए हैं। इस बार ये न्यूकैसल यूनाइटेड स्ट्राइकर शायद पूरे सीजन बेंच पर बैठे रहने के खतरे का सामना कर रहे हैं। इसकी कीमत कितनी रही होगी? अगर वो बर्बाद हो जाए तो भी कम। मुझे यकीन है मिस्टर मुनियास के मामले में ये बात गलत नहीं होगी। वेल, मैं हमेशा से ही फैन हूँ रियल मैड्रिड का, मैं और मेरी दादी, अब मेरा भाई, तो ये मेरे लिए इस टीम में खेलने का एक सपना सच होने जा रहा है। क्या ये सच है कि एक साल पहले तक आप एक फैमिली थे? वेल, मैं एक सीधे सादे परिवार से हूँ और टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों के मुकाबले मेरी कहानी कुछ अलग है। रोसा, मेरे लिए रोसा बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? जाओ जल्दी अपना काम खत्म करो।
कोशिश करूंगा दूसरे खिलाड़ियों जितना ही बेहतर बनने की। ये मेरे लिए फख्र की बात है इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिले जैसे सिदान और डेविड। क्या आप आपके सामने आने वाली चुनौती के लिए तैयार हैं? पहला दिन निराश मत करना। हाँ जरूर मॉम। Miss Arneson. Hey. और अरे इतनी शॉपिंग कहाँ से की? Oh my God. ये हमारे लिए है। क्या? ये सब उन्होंने दिया? खाना हमारे लिए। Ooh. Wow. मैं एक ले लूँ? हाँ, तुम्हारे लिए ही तो है। एक कार चुनो, कोई भी कार। इसके बदले बहुत सारे गोल्स करने होंगे। कोशिश करूँगा। UEFA चैंपियंस लीग लौट आया है और हम लौट आए सैंटियागो। बर्नबाउ यूरोप के टॉप क्लब कंपटीशन का मंच तैयार है। हेलो सर, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं। हेलो, शुक्रिया। हे, एक गेम तुम्हारा इंतजार कर मिलते हैं। क्या बात है, बढ़िया। रियल मैड्रिड नो बार की विनर, लेकिन पिछले 4 साल से नहीं जीती। यहीं से शुरुआत होगी उनके लेटेस्ट कैंपेन की। केविन हैरिस के लिए एक मुश्किल दौर, उन्हें खुद को साबित करना होगा। Cheers. और ये नए खिलाड़ी मुनियस, उन्हें बेंच से शुरुआत करनी होगी। तो कार्लोस के पास, वो बेहद करीब हैं, अब कुछ भी हो सकता है। बहुत टाइट, बहुत टाइट। केविन हैरिस पिछले 14 मैचेस में एक भी गोल नहीं कर पाए, और कितना इंतजार कर रहा है। और बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। पाकिस्तान ने मैड्रिड के लिए एक खतरनाक शॉट लिया। और ये रही बेकहम की कॉर्नर डिलीवरी, लेकिन बॉल गोल में नहीं जा पाई। सिर्फ आधा घंटा बाकी है, फिर एक कोशिश, कोई फायदा नहीं। हैरिस फिर से कोशिश करते हुए, आज इस गेम में भी उनका संघर्ष जारी है। यहां तो गोल होना ही चाहिए था। हैरिस का बुरा वक्त, वो गोल नहीं कर पा रहे हैं। और दर्शकों ने इसे
इंग्लिश खिलाड़ी को हुक करना शुरू कर दिया है। ओ हाँ, देखो वो रहा। वक्त है एक नए सितारे का, कहीं इसका मतलब गैविन हैरिस का एंड तो नहीं। एक बात तो तय है कि सैंटियागो मुनिया के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है ये। शाबाश सैंटी। Come on, सैंटी। उनके इरादे खतरनाक। और यह माहौल बहुत गर्म होता जा रहा है। और देखिए थॉमस ग्रेविसन कड़े मुकाबले के लिए तैयार। बॉल अब पहुंची मुनियेज के पास, क्या वो कुछ कर पाएंगे? उनके करियर की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। सैंटियागो मुनियेज ने आखिरी मिनटों में गोल कर दिया। एक और गोल देना। एनरिक, चलो चलो, तुम पैसे लाए हो ना, जल्दी करो वरना पकड़े जाएंगे। ये तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए। हे, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? क्या चाहते हो तुम, इस उम्र में जेल जाना चाहते हो? एक छोटी सी गलती से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या बर्बाद होगी? एंड्रिक, ऐसी बातें मत करो बेटा। देखो उस प्लेयर मुनियेज को, उसके पास भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं था, और अब देखो। वो तो ठीक है, पर मुझे उससे क्या लेने देना। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, वो प्लेयर तुम्हारा भाई है। ओके ओके, आराम से, संभल के बाहर आओ, आराम से। तुम ठीक हो ना? हील टूट गई। अंदर आ जाओ, तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। इस तरह, और ये तुम्हारे लिए है ना? अंदर आओ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। अरे कैसे हो दोस्त? हेलो, ये लीजिए। अरे चलो चलो, ये कौन था? चलो भी इस तरह। और क्या कर रहे हो? वो चल नहीं पा रही है। हाँ, इस तरह आ जाओ, इस तरह क्या देखो होता है। क्या कैसे हो ठीक? चलो चलो मेरे पीछे आ जाओ। आप कैसे हो? एक फोटो हो जाए। ठीक है, एक हो जाए। आओ पोज करते हैं, एक बढ़िया पोज देना, मुस्कुराना भूलना मत। हाँ तो हमेशा ऐसा ही होता है क्या? हाँ हमेशा ही। एक्चुअली ये सब पागल है, पूरे पागल। तुम हैरान नहीं हो? वो तो है। क्या प्रेस में आना? सच कहूं तुम्हें, मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहकर लंच करूं, कप पे लड़ाऊं। इसे एक मिनट ब्रीथ करने दो। ठीक है, आई मीन लाइफ में फुटबॉल के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि कंप्यूटर गेम्स। कम ऑन गैविनो, तुम पहली टीम में हो। मुझे गलत मत समझो, इससे खर्च निकल जाते हैं। मुझे वाकई फुटबॉल पसंद है, लेकिन मेरे और भी शौक हैं। अब जैसे कि मान लीजिए वाइन, मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है फ्रांस के एक अच्छे से विनियार्ड में। शायद मेरा फ्यूचर हो, क्या पता। इसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, ये कोविया दे स्पेशल रिजर्व है। चलो ना मेरे साथ, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे कोच को पता चलेगा। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। ये बस कुछ हफ्तों की बात है। मैं नहीं जाना चाहती। तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। I love you. Love you too. मैं कॉल करूंगी, ओके? ओके।
कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना। थैंक यू। ठीक है। मेरे पास सब कुछ तो है। ओ, अगली बार नहीं लाऊंगी। 29 के ऊपर बढ़ते ही नहीं। संभाल कर। अरे मुझे टॉयलेट जाना है। कहाँ है? ओ, पीछे। अभी आती हूँ। उस रूम में। लेकिन वहाँ लाइन लगी है। हे, क्या लगता है तुम्हें? ओ यार, ये तो अलग क्लास। बुरा नहीं है ना? तुम ये अफोर्ड कैसे करते हो? ओ, मुझे नहीं पता, बैरी ये सब संभालता है। हे बैरी, मैं ये कैसे अफोर्ड कर पाता हूँ? क्योंकि तुम हर हफ्ते 80,000 रुपए कमाते हो बेवकूफ। ओ हाँ, क्योंकि मुझे हफ्ते के 80,000 मिलते हैं। ए, ए, रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वेल, वापस जल्दी आना डियर। सैंटी, कैसे हो दोस्त? हाय। देखो, तुमने आज क्या कमाल का गोल किया था डियर, तुम्हारा जवाब नहीं। थैंक यू दोस्त। अच्छा एक मिनट सुनो, तुम क्या साबित करना चाहते हो रोज को यहाँ लाकर? ये पार्टी सिर्फ सिंगल्स के लिए ही थी, सिर्फ सिंगल्स के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो मेरी मंगेतर है। शैडो नर्व द पैप 1982, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बढ़िया है। कहाँ, चलो बाहर चलें। अब सैंटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तो वो कौन है? पता नहीं। इसमें कितने रूम हैं? शायद 8 हैं। मैं सिर्फ 6 में गया हूँ, बाकी देखने का वक्त ही नहीं मिलता। थोड़ा दिखने में अजीब है। नहीं, ये तो बस वो टाइट यूरो स्टाइल का बेडिंग सूट है। मुझे नहीं लगता मैं पहन पाऊंगा। तुम चाहो तो पहन लो। हाय दोस्तों। हेलो। कहाँ थे आप? क्या तुम मुझे अपने दोस्त से नहीं मिलाओगे? इससे? ये जोर्डाना और ये सैंटियागो मुनियस मेरे बिना रह नहीं सकती। मैं कोशिश करूंगी। हाय सैंटियागो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं डल्चे। हां बिल्कुल वही है। बहुत बढ़िया गोल था। थैंक यू, पर मैं सिर्फ 7 मिनट तक ही खेला, यानी मैं। लेकिन तुम वाकई में बहुत थक गए हो। क्या स्मार्ट दिख रहा है, मुझे उससे दोस्ती करनी है। लेकिन सुना है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। क्या फर्क पड़ता है? रॉस, कैसी हो? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुमने सैंटी को देखा? सैंटी? हाँ, वो शायद अभी ऊपर गया गेविन के साथ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रिंक लाऊं? नहीं, मैं सैंटी को ढूंढ रही हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। सी यू। हाँ। ओह, यहाँ हो तुम। मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया। हाय। ओह हे रोज, ये है जोर्डाना। हेलो। हाय हाय, ये मुझे तुम दोनों की शादी के बारे में बता रहा था। तुम बहुत लकी हो। इसकी जितनी नहीं। बिल्कुल। हम अंदर चलें, बहुत ठंड है। जरूर। ओके, तो फिर तुम्हें मेरी टीवी शो पर आना पड़ेगा इससे पहले कि कोई और चैनल तुम्हें बुला ले। वेल थैंक्स, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम्हें अच्छा लगेगा, मेरा यकीन करो। बैरी ने रोक लिया था। कितना बुरा है वो, बहुत बेहूदा।
क्या क्या हो रहा था उस पार्टी में, मेरा तो सर चकरा गया। अच्छा हुआ घर आ गए। वेल, गवीनो अपने पूरे रंग में था। तुम्हारा क्या ख्याल है उस टीवी वाली लड़की के बारे में? टीवी वाली कौन? तुम जानते हो मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ। तुमने मुझे मना किया, वही जॉर्डाना। तुम्हें अच्छी लगी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम हाँ कह रहे हो। वो ठीक ही है, मुझे लगता है गवीनो उस पर लट्टू हो गया है। वो तुम्हें पसंद करती है। मैं हूँ ही ऐसा, लड़कियाँ बेचारी क्या करें। तुम कोई खास नहीं हो, ठीक है? क्या मैं तुम्हें ले जाऊँ या छोड़ जाऊँ? मैं तुम्हारा इरादा बदल सकता हूँ। क्या सच में? मुझे ऐसा लगता है। सैंटी, हम यहाँ किस लिए आए हैं? ये हमारा घर है। तुमने खरीदा है? हाँ, मैंने खरीदा। मजाक मत करो। हाँ, क्या लगता है तुम्हें? आ जाओ। सैंटी, देखो। ओह माय गॉड, इतना बड़ा। देखो कितना बड़ा है, खूबसूरत है, लाजवाब है। ओह वाव, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा है। हाँ, ये घर किसी मशहूर डिजाइनर का था, क्या नाम है उसका? मैं लोग कहते हैं वो आने वाले कल का वर्साची है। ओके, घर की बहुत सारी चीजें और फर्नीचर भी उसने डिजाइन किया है। इसमें 7 बेडरूम्स हैं। 7? हाँ, और 7 बाथरूम्स भी। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? बाय। एक सेकंड, मैं किसी नए बंदे के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। द मैक्सिकन सैंटियागो मुनियाज, जिसे हम एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देख रहे थे। हाँ, एकदम हैंडसम है और लेटेस्ट फैशन का शौकीन लगता है। मुझे उसकी स्टाइल पसंद है। हाँ, और वो बहुत स्मार्ट भी है, और उसके कपड़ों की चॉइस बहुत अच्छी है। वैसे वो कपड़े ब्रांडेड ही पहनता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है हमें उसे कुछ दिन और देखना चाहिए। आज दोस्ती कर ले। हेलो, कहाँ जा रही है? हाय रोज, कैसी हो? हेलो मॉम, कैसी हो? हमारी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो यहाँ की मैगजीन्स में पूरी तरह छाई हुई हो। क्या? अच्छा, क्या तुमने नए जूते पहने हुए हैं? हाँ मॉम। और तुम विक्टोरिया से बात कर रही थी, पर मैं तो उसे जानती भी नहीं। ओह, और डेविड भी कितना हैंडसम लग रहा है। वाओ। हाँ मॉम, मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा फैशन करना शुरू करना चाहिए। और रोज, क्या मॉम, तुम्हें खुद पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Darling, come on, I'm trying to study. You can study on the plane. I can't. I've got to get this finished. But I'm not going to see you for another 2 weeks. I know. Please, you watch TV or something. हेलो, क्या मैं जॉर्डानो से बात कर सकता हूँ प्लीज? मैं जॉर्डा नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी आवाज़ नहीं लग रही। क्या तुम बिजी हो? शायद बिजी होती हूँ। मैं होटल में हूँ और हमें कल मैच से पहले बाहर नहीं जाने दे रहे हैं।
अजीब पागल खाना है, मैं यहाँ कुछ पागलों के साथ कैद हूँ। तुम्हें तो घर जैसा महसूस हो रहा होगा। नहीं, सीरियसली। तुम चुपचाप यहाँ चली आओ, छुप कर आ जाना यहाँ की लॉन्ड्री बास्केट में। नहीं आज नहीं, आज मुझे सोना है, मेरी हालत खराब है। जॉर्डन से बात हो रही है? चुप भी करो तुम। और कौन है वहाँ? इवान, मुनियाज। मुनियाज को फोन दे सकते हो? हाँ मुनियाज। हेलो, अब तो बचपना छोड़ दो। अरे फोन दो, दे दो। हाँ मैं सैंटी बोल रहा हूँ। हेलो सैंटियागो, कैसे हो? असल में बात ये है कि मेरे प्रोड्यूसर्स तुम्हें हर हाल में इस शो पर बुलाना चाहते हैं और मैंने वादा किया है तुम आओगे। पता नहीं, तुम डर तो नहीं रहे हो ना? नहीं। गविनो, दरवाजा खोल प्लीज। रियल मैड्रिड के लिए यूईएफए चैंपियंस लीग में एक और खास रात यहाँ बर्नबाउ में। इस मुकाबले में आप चाहे जो भी हो, चाहे कितने बड़े हो या छोटे हो, ये बहुत जरूरी है। तुम ये काम किसी और को पैसे देकर भी करवा सकती थी, किसी प्रोफेशनल से। मुझे अच्छा लगता है मॉम, ये मेरा घर है, मैं ही करूँगी। शानदार मुकाबला होने की हम उसके दिमाग में इस वक्त लाखों चीजें चल रही होंगी रोज, तुम्हें उसमें शामिल होना चाहिए। मेरा यहाँ रहना जरूरी है मॉम, हॉस्पिटल में मेरी जरूरत है, और मैं वहाँ होती भी तो मुझे उससे मिलने की इजाज़त नहीं होती पूरे हफ्ते। तो इतने शानदार घर का क्या फायदा अगर तुम्हें अकेले रहना है तो। अब आगे की खबरें मैं सुनाता हूं। आज की मैच बहुत ही रोमांचक रही। मैं सच कह रही हूँ रोज, यहाँ से मैड्रिक सिर्फ थोड़ी ही दूर है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो तुमसे दूर चला जाएगा। जब टीवी देखने के पैसे मिले तब देख, आज काम करने के लिए पैसे मिल रहे, उठो और काम करो। Thank you.
सैंटियागो मुनिया सुपरस्टार। स्टार्ट के लिए कॉल को मैनेजर कब तक टालते रहेंगे? गोल था दोस्त, तुम ठीक हो? मिस्टर हैरिस, ये तुम्हें क्या हो गया? कितना बुरा खेले तुम, क्या कभी तुम कोई गोल कर भी पाओगे? देखो इस वक्त मेरा बुरा दौर चल रहा है। हे कोच। मुनियास, मुझे कुछ बात करनी है। कहो। मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फिट हूँ, गोल कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं फुल गेम खेल सकता हूँ। जब तुम स्टार्ट के लिए तैयार हो जाओगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। बताओ ना। गेस करो। कम ऑन। मुझे नहीं पता। कम ऑन, गेस भी करो। मैं गेस करने के मूड में नहीं। लैम्बोर्गिनी व्हाइट कन्वर्टिबल स्पाइडर, अलग ही क्लास की है। रोज, आज सुबह मिस्टर आइव्स गुजर गए। मैं तुमसे बात करना चाहती थी पर सोचा तुम सुनकर परेशान हो जाओगे। I'm sorry, Rose. अभी रखती हूँ। पागल हो गए हो क्या? अगर गाड़ी के नीचे आ जाते तो? मैं एनरिक तुम्हारा भाई हूँ। क्या? मेरी माँ ने तुम्हारे पिता से शादी की थी हर्नान मुनियास मेक्सिको में। मुझ पर चिल्ला रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या जवाब दूं। मिस मुनियास, अच्छा हुआ जो आप आ गए सर। आप जरा हटेंगे तो हम यहाँ से सीधे स्टूडियो में जा सकते हैं। कितना वक्त लगेगा इसमें? ज्यादा देर नहीं लगेगी सर, सीधे चले जाइए। ओके, रोलिंग 104 टेक 27 एंड एक्शन। और इसीलिए हमेशा से मेरी पसंद है टोटल टोफू, द सुपर फूड फॉर द सुपर सब। या All right, cut. Great, बहुत अच्छा था। हमें एक बार और करते हैं सैंटियागो। ये तुमने किया ना? जी भाइंगो, मुझे नए पेचकस ला के दो। इसमें तो लिखा है कर दिया फिल। सैंटियागो। ये पागलपन है, इन लोगों ने मेरा मजाक बना के रखा है। पर कौन? ये
डेविड बेकहम को जिलेट मिलता है और मुझे मिलता है टोफू। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी सैंटियागो। पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये बहुत बेहुदा है। तुम इसे 5 घंटे ट्राई करके क्यों नहीं देखते? ये मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। ओके, मैं उनसे देखो, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूँ। पागल हो गया ये सैंटियागो था? हाँ, वही था। इस सीजन में पहली बार कोच रूट वैन डिमर्फ को एक बहुत ही बड़ा फैसला करना है। उनके सामने हैं सैंटियागो मुनियेज और गैविन हैरिस, और गैविन वाकई लगता है कि इस सीजन में छुट्टियां मनाने आए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यह सवाल 50 लाख का है जो उन्हें दिए गए थे, और इस वक्त मुझे वो 5 पैसे के बराबर भी नहीं लग रहे। सरप्राइज। शरारती बच्चा अचानक कार के सामने आ गया। ये लो, तुम ठीक हो ना? परेशान दिख रहे हो। हे, सब ठीक हो जाएगा, खाना खाओ। सैंटी, उसने कुछ और भी कहा? नहीं, कुछ नहीं। जब उसने फोटो दिया तो मैं परेशान हो गया और वहां से चला गया, सांस नहीं ले पाया। शायद इतना बुरा भी नहीं हुआ, तुम उसका पता तो लगाना चाहते ही थे। जानता हूं, पर इस वक्त उनके बारे में सोच नहीं सकता, मैं उन्हें हमेशा के लिए भुला चुका हूं। वो तुम्हारे जैसे ही दिखती है। हेलो सैंटियागो, ये तुम्हें कहां से मिला? जब तुम स्पेन गए थे ना, तब मुझे डर था कि कुछ ऐसा ही होगा। मतलब आप जानती थी? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी सैंटियागो, मैं नहीं चाहती थी तुम दुखी हो। क्या कह रही है दादी, वो मेरी माँ थी और आपने मुझे बताया नहीं? आपको यह हक किसने दिया? वो औरत हमें छोड़कर चली गई, बस अचानक ही चली गई, तुम्हारे डैड को चोट पहुंचाकर। हां, पर फैसला मेरा होना चाहिए, वो मेरी माँ है। देखिए दादी, ये मुझे तय करने दीजिए। मेरी बात सुन रहे हो? आज बहुत बड़ा दिन है इस नौजवान के लिए जिसका नाम है सैंटियागो मुनियेज। न्यूकासल छोड़ने के बाद से आज पहली बार ये रियल मैड्रिड के लिए गेम स्टार्ट करने वाले हैं, और उससे बड़ी बात यह कि उनके साथ है कई बड़े बड़े नाम। रियल मैड्रिड और वैलेंशिया के बीच के मुकाबले बहुत जोश भरे होते हैं।
बेकम की तेज शुरुआत, बॉल पास की मुनियर को, राउल उनके पास ही है लेकिन मुनियर गोल और शोहरत की ओर अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये गोल करना चाहते थे लेकिन राहुल ज्यादा खुश नहीं है, वो ये शॉट लेना चाहते थे। राहुल रामोस ने बॉल क्लियर कर दी। अब डेविड बेकम, लगता है वेलेंसिया ने उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया है, पर अब उनका जवाबी हमला। शुरुआत विसेंटी की, ये किसको गिराया सैंटी मुनेज ने। मुनेज बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, फंस गए, उन्हें रेड कार्ड मिला। मुनेज मैड्रिड के लिए पहले ही मैच में बाहर। यकीन नहीं हो रहा है, लगता है कुछ समय से प्रैक्टिस कम थी, उनकी हरकत से रेफरी के पास और कोई चारा नहीं था। विसेंटी को वाकई गिराया गया था और मुनेज के लिए लगता है ये वाकई अफसोस का दिन है। सपने से सजा तक का सफर सैंटी मुनेज का, उनका पहला स्टार्ट और आज ही पहली सजा। जिनेडिन ज़िदान बाहर आते हुए और उनकी जगह लेंगे गैविन हैरिस। काफी सारे टैकल्स हो रहे हैं मैदान में और ये गुटी कैनियर ज़ारिस, वो क्या कर रहे हैं अपने सिर पर हाथ रखकर। ये असली रियल मैड्रिड का गेम नहीं लग रहा है, है ना? एक खिलाड़ी के बाहर निकलने से मैच की दिशा ही बदल गई है। और एक और कोशिश को कैसियस ने ब्लॉक कर दिया, फॉलो अप बहुत ही वाइड था। सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना बेहद मुश्किल होगा रियल मैड्रिड के लिए, उन्हें अपना पासिंग गेम शुरू करना चाहिए। बेकहम एक फ्री किक के साथ, और वो भी आज अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं। डेविड बेकहम का ये क्रॉस और ये गेविन हैरिस और गोल। रियल मैड्रिड 1-0 से आगे, गोल का अकाल आखिर खत्म कर दिया। क्या बेहतरीन गोल सुराया था, क्रॉस था बेकहम का, लेकिन 6 यार्ड एरिया में हैरिस मौजूद है अपनी खुशी जाहिर करते हुए। रियल मैड्रिड आखिर में गेविन हैरिस के इस लेट आए गोल की वजह से जीत हासिल करने में कामयाब। सैंटियागो मुनियेज की बल्कि गलती से वो हारते हारते बचे, वो रेड कार्ड जिसके लिए वो कोई बहाना नहीं बना सकते हैं टोनी। हाँ, वो बहुत ही खराब फाउल था और खतरनाक चैलेंज था, और रेफरी के पास उन्हें बाहर करने के अलावा कोई चारा नहीं। गेविन, 17 गेम्स में ये आपका पहला गोल था, कैसा लग रहा है? आज बहुत खास दिन है और मैं बेहद खुश हूँ। मैं आज लड़कियों के साथ खूब जश्न मनाने वाला हूँ। गुड नाइट। हाय सैंटी, कैसे हो? हेलो। देखो, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का जवाब है। अच्छा, यहाँ एक ड्रिंक लाओ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मैड्रिड के लिए खेल रहे हो, उसी दौरान मेरे लिए शो कर लो। तुम हार नहीं मानोगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है? एक और? यहाँ एक और प्लीज। तुमने शुरू किया, मैंने नहीं। तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? नहीं, शुक्रिया। मैं खोलता हूँ मैडम। बाय बाय। सैंटी, सैंटी, हे, चलो उठो। सैंटी, आलसी कहीं के? सैंटी, देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, तुम थोड़ा जूस लोगे? कब से सो रहे हो? ये लो सैंटी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने उठाया था, पर तुम उठने का नाम। तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए थी, मुझे लगा तुम मुझे जगा दोगी। रोज, मैंने कहा ना, मैंने कोशिश की। तुम पागल हो क्या? मेरा टीम प्लेन छूट जाएगा, क्या कर रही हो? मैंने कहा ना, मैंने जगाया था, तुम उठे नहीं। हाय, ट्रॉनहाइम फर्स्ट क्लास। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। ड्रिंक लेंगे सर। ना ना, रहने दो, रहने दो। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी पीनस के।
ये बहुत अच्छी बात है सैंटी। कोच ने अपनी माफी भेजी है कि वो तुम्हें लेने नहीं आ सके, लेकिन वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। आज का दिन अच्छा नहीं था। मुझे बॉस का कॉल आया था, इसका अंजाम जरूर होगा, एक तगड़ा फाइन शायद। नील नील और मुझे उस ठंडे बेंच पर 90 मिनट बिठा कर रखा उसने। वो कोच है सैंटी, फैसले वही करेंगे। वो शायद कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हें सुनना चाहिए। बकवास बातें मत करो ग्लेन, मैं टोफू के लिए टीवी ऐड कर रहा हूँ और तुम न्यूकैसल में गाड़ियां रिपेयर कर रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो, मुझे मैड्रिड में कोई फुल टाइम चाहिए जो मैदान के बाहर मेरा काम कर सके। यानी कि अब से मेरा काम बंद है? तुम्हारा साथ बहुत अच्छा रहा सैंटी, मेरी खुशकिस्मती थी। तुम्हारी झोली इतनी ज्यादा और तेजी से भर रही है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए उसमें से कुछ गिर ना जाए। रोज, तुम क्या कर रही हो मुझे पता नहीं, पर अच्छा लग रहा है। संभल कर खोलना, कम ऑन खोलो। ओहो, कितनी देर बाहर खड़े रहेंगे? जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक। आज पार्टी करने के बाद बहुत मजा आया ना? बहुत, सच में मजा आया। तो फिर से पार्टी कब कर रहे हैं? जल्दी करते हैं यार, बहुत मजा आता है पार्टी में। गर्ल्स, लगता है मुझे तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा। तुम कहाँ रहती हो? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कोई रूम खाली है? गवीनो, कितने दिन रहने का इरादा है? लगता है काफी दिन रहना पड़ेगा। जब तक चाहो रह सकते हो। वो डील एकदम गड़बड़ निकली और बैरी अच्छा एजेंट नहीं है। हे सांटी, दूध कहाँ है? सर, आप शक्कर एक चम्मच लेंगे या दो? नहीं, पता नहीं वो इतनी नाराज क्यों है। वेल, तुम समझ सकते हो, वो वहां एकदम अकेली है बड़े घर में और तुम यहाँ
काली जुल्फों वाली स्पैनिश परियों के साथ? हाँ, पर मैं उन स्पैनिश परियों के साथ नहीं हूँ। मेरा मतलब है, वो तो गलत ही सोचेगी ना। हाँ, पर मैंने कभी उसे गलत सोचने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, जानता हूँ, पर तुम इतने फेमस हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, और वो जानती है बहुत सारी लड़कियां तुम्हारी फैंस हैं। लेकिन ये तो खेल का एक हिस्सा है, उसे समझना चाहिए। पता नहीं, मैं क्रिसमस ब्रेक में उससे बात करने की कोशिश करूंगा। एक्टिंग मत करो तुम, लैटिन लोग मैदान में भी चोट का बहाना करते हो। नहीं, वाकई दर्द हो रहा है। क्या सच कह रहे हो? हाँ, दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो यार, कुछ खास नहीं होगा। तुम इस जगह या अपने घर से एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते। पर मैंने क्रिसमस ब्रेक में कहीं जाने का सोचा है। तुम कहीं नहीं जाओगे, बात समझ में आई? उम्मीद है आई होगी। पर वहां तुम्हें रोके रखने का क्या मतलब? तुम तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं ले सकते हो। वो मुझे पैसे देते हैं रॉस, तो उनकी मर्जी चलेगी, मैं उसे बदल नहीं सकता, समझ रही हो? मुझे यकीन नहीं होता, ये गलत है, तुमने वादा किया था। पर तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? नहीं, हर बार मैं ही मैड्रिड आई हूँ सांटी, तुम घर एक बार भी नहीं आए हो। तुमने न्यू कासल में कदम भी नहीं रखा है। ये सब बहाने हैं, और तुम ग्लेन को भी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया है। रॉज, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहती, ठीक है? चीयर्स डियर, क्या तुम्हें जूस चाहिए? अफसोस के सैंटी यहाँ नहीं आ पाया। शायद स्पेन के स्टार्स के साथ पार्टी कर रहा होगा। अरे इस डिश का साइज तो देखो, कुछ ज्यादा ही बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, मम्मा नहीं, मुझे नहीं खाना है। अच्छा, गेस करके बताओ ये क्या है? आसान नहीं है। ये है ओरिजिनल चैंपियंस लीग बॉल। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम द ग्रेट एस्केप देख रही हो क्या? स्टीव मैकक्वीन, वो तो शानदार है। ठीक है, फिर बात करेंगे। बाय। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। हे, मैं हूँ। यकीन नहीं होता हम न्यू ईयर्स ईव पर एक साथ नहीं है। पिछले साल की पार्टी याद है? जिमी ने कहा उसी रात उसने कियानो की तैयारी कर ली थी, पता नहीं उसे कैसे याद है। हे सुनो, आई लव यू, आई मिस यू, और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ए सांटी, सांटी ना, आ जाओ ना दोस्त। सुना है स्पेन में एक रिवाज है कि जिसमें सबको एक ग्रेप खाना होता है। आराम से, लालच मत करो। घड़ी के एक डोंग के लिए एक ग्रेप खाना है, एक घंटे के लिए। ओ, तुम्हें भी चाहिए क्या? ओ अच्छा, कैसी आवाज चाहिए? ओके। हाँ तो एक ग्रेप खाना पड़ेगा घड़ी के हर एक डोंग के लिए, और फिर चार सेकंड बचे हैं। तीन, दो, एक, गो! गो!
क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं पर तुम मुझे देख रहे थे, जैसे जैसे वो लुक दे रहे थे। नहीं, कहां देखा मैंने? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कहा ना कुछ नहीं हुआ। क्या मैं उसके जैसा लगता हूँ? हाँ, काफी हद तक। सच में? दोनों ही जोकर एक जैसे। तोड़ दी तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगी। हाँ, अभी करती हूँ शिकायत। हाँ कर दो। बढ़िया ही शिकायत करने वाली। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? ओके। तो तुम रहते कहाँ? सीधा। ए, ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। रख दो। अच्छी है। अरे तोड़ मत देना। तुम्हें फुटबॉल पसंद है? हाँ। अच्छा, मुझे अपनी माँ के बारे में बता। कैसी है वो? कहाँ रहती है? एक नंबर की आफत है। मैं तो उससे दूर ही रहता हूं। हे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, रहने दो। हाँ, बोलो। हे मिस्टर बंदरवे, आप मुझे एक चांस दोगे? क्या कर रहे हो? मेरे कोच को फोन लगा दिया। मुसीबत में फंसाओगे क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एकदम गरीब हूँ और मेरे पेरेंट्स घर चलाने के लिए दिन भर काम करते हैं। लेकिन मेरा ना समझ भाई है जो मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। बैग में क्या है? कुछ नहीं, मेरा सामान। एनरिक, एनरिक, इसे आज तुम्हारे यहाँ पर ऐसे घूमते घूमते आ जाता है। ये कहां से मिला तुम्हें? मेरे भाई ने मुझे दिया। तुम्हें कहा था ना, हम उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते। पर वो मेरा भाई है, इसे राज रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस घर में तुम मेरी बात मानोगे। तुम्हें उसके बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। भूल जाओ उसे, वो तुम्हें नहीं अपनाएगा।
आपको सेंटी के ठीक होने तक रखने का फैसला किया गया है ना? बहुत दफा हो जाओ, बकवास है। सेंटी, क्या आप जोर्डाना के लिए उस नर्स को छोड़ देंगे? क्या कहा तुमने? मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ छोड़ो भी, जाने दो उसे। क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? कौन मैं? देखो तुमने मुझे 3 बार कॉल किया। अरे भाई, मुझे पता चल गया था, पकड़ो। मैं एक वाइट लैम्बोर्गिनी में हूँ। hey, कहाँ जा रहे हो? सुनो, मेरी गाड़ी कहाँ है? चाबी कहाँ है? कंपार्टमेंट में। कार का पीछा करो। उस लैम्बोर्गिनी का? हाँ पीछा करो, फिल्मों की तरह। जरा जल्दी करो। हाँ करता हूँ करता हूँ। कोई चोर है क्या? नहीं, वो मेरा भाई है। ओ, तुम्हारा भाई है? क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है? ये तो गया। एनरिके, एनरिके, हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर कहाँ है? उस तरफ। डॉक्टर कहाँ है? हाँ इस तरफ ले जाइए, ये डॉक्टर हैं। हाँ हम उसे देखते हैं। हाँ। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो बस अचानक ही कार बेकाबू हो गई। मैंने आपसे कहा ना, मेरा फोन बजा, मेरा ध्यान हटा, मुझे कॉल लेना ही नहीं था। तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था? वो मेरे दोस्त का बेटा है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ ना। शांत हो जाओ। और क्या कहा, तुमने कितनी पी रखी थी? छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। शांत हो जाओ। चलो चलो चलो, क्या देख रहे हो? चलो चलो अंदर, शांत रहो।
उसने आखिर मुझ पर हाथ क्यों उठाया? मेरी गलती क्या है? लेकिन मैं तो बस अपना काम ही कर क्या रहा था। और क्या, इसमें गलती मेरी नहीं उसकी है। वो मुझ पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकता। हेलो, माफ करना, इतनी रात को तुमने फोन किया। क्या हुआ? देखो, मैं परेशानी में फंस गया हूँ। एक्चुअली बहुत बड़ी मुसीबत। क्या अब क्या किया तुमने? मैंने एक फोटोग्राफर को मारा और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। ओह, तुम कहाँ हो? ठीक तो? हाँ हाँ ठीक हूँ। मैं तुम्हारा एजेंट नहीं हूँ सैंटियागो, जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत सलूक किया, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मुझसे माफी मत मांगो। उनसे मांगो जिन्हें इसकी जरूरत है। अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। मैदान में तुमने बहुत नाम कमाया है, अब वक्त है असली दुनिया में इज्जत कमाने का, जहां उसकी जरूरत है। ओके, मैं नहीं आने वाला, तुम खुद ही निपट लो। तुम्हें इसके बारे में पता था? किस बारे में? हर जगह छपा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कम से कम जो किया वो कहीं छुप कर करते, पूरी दुनिया के सामने करना जरूरी था क्या? क्या किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारा फोटो सब मैगजीन्स में है उस लड़की के साथ। मैगजीन्स? कौन सी लड़की? क्या उसी के लिए तुम क्रिसमस पर घर नहीं आए? ये सब कब से चल रहा है? नहीं, तुम गलत समझ रही हो, प्रेस सब बड़ा चढ़ा कर कहती है। पर मैं साफ साफ देख सकती हूँ तुम क्या कर रहे हो। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं कह रहा। अगर तुम्हें ऐसी ही लड़की चाहिए तो तुम जाओ ऐश करो, ठीक है? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने मेरे साथ गलत किया। ऐसे जोर लगा, बिल्कुल ऐसे करो। एक और बार, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, शाबाश। और ये लो, गुड गुड गुड। दोबारा कोशिश करते, बहुत अच्छे। चलो जी। प्लीज रोज, मुझे कॉल करो, मुझे बात करनी है। ओके, बाय।
स्टार्ट डोलान में चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पहले लेग में कोई गोल नहीं होने के बाद अब सारा ध्यान लगा है यहां पौने पाव में। केविन हैरिस के पास अब बॉल, पहले से काफी बेहतर लग रहे हैं, फॉर्म में लग रहे हैं वो। रोनाल्डिन्हो मजबूत और ताकतवर, केविन हैरिस आगे बढ़ते हुए, स्पैनिश कैपिटल में इससे ज्यादा जोश की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिखाने के लिए 5 मिनट बचे हैं उनके पास, वो घायल भी है और वो जल्दी ही कुछ कर दिखाना चाहेंगे। मुनिये इस तेज नजर आते हुए तुरंत एक्शन में, और ये वाइड, मुनिये ने अपने लिए जगह बनाई और मुनिये ने गोल कर दिया और वो पहुंच गए हैं फाइनल में। क्या फिनिश है, अपने फ्रंट फुट से जोरदार किक लगाई और सीधे गोल में, कोने से लगाया हुआ शॉट और बॉल को मिला टेक्स्ट बुक जैसा फिनिश। आज के मुकाबले में कुछ कहा नहीं जा सकता था। हाँ, उन्होंने पहले करीब 45 मिनट तक हमें बांध कर रखा था, पर वो लियोन वाले अफसोस मना रहे होंगे क्योंकि इस खेल में दो हाथ होते हैं, है ना, और अंतिम वक्त तक खेल किसी का भी हो सकता है और यही फुटबॉल है, है ना। आपको लगता है फाइनल में आप खेलेंगे या कोच आपकी बजाय सैंटियागो को चुनेंगे? सैंटियागो, आपने जबरदस्त खेल दिखाया और रियल मैड्रिड को फाइनल में पहुंचाया, कैसा लग रहा है आपको? कल मुझे खुशी है हम जीत गए और अब कब से सिर्फ एक ही जीत दूर। सब जानते हैं कि तुम पक्के दोस्त हो, इससे तुम्हारी दोस्ती पर प्रेशर आता होगा ना? हम एक टीम है पर उससे पहले दोस्त है। थैंक्स। हम बाहर कैसे निकले, दरवाजे से? हाँ सही कहा। अच्छा प्लान था, मैं चलता, ठीक है, शुक्रिया, ख्याल रखना। बाय। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं, मैं नहीं जानती। शुक्रिया। क्या आपने? हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तुम परेशान मत हो, तुम्हें मिल जाएगा, अब तुम जाओ। ओके बाय। तुमने इस औरत को देखा है? नहीं। वैसे तुम्हारी ये घड़ी बहुत अच्छी है, हाँ मुझे पता है वो कहाँ काम करती है। Little bit of a mind.
तो वही कह रहे हैं। हाँ लगता तो वही है। कहो क्या चाहिए? रोसा है यहाँ? रोसा, रोसा एक मिनट बाहर आना प्लीज। कौन मिलने आया है? माफ करना हम बंद कर रहे हैं। नहीं हमें और ड्रिंक चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर आना प्लीज प्लीज। कल फिर मिलेंगे। अजीब जगह है यार। नहीं हां कल रोज की तरह खुला रहेगा। चलो क्या करें भी, चलो 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 कोई फायदा नहीं। Santiago, Miguel. ये मेरा बेटा है। हमें छोड़कर क्यों चली गई थी आप? देखो ये समझाना जरा मुश्किल होगा, पर उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन असर तो हम सभी पर पड़ा ना। तुम्हारी बात तो सही है। एक दिन मैं देर रात को घर लौट रही थी, तभी दो लोगों ने मुझ पर हमला किया। उनमें से एक तुम्हारे अंकल थे। मैं बहुत मुश्किल से घर पहुंची। मुझे पता था तुम्हारे पिता को मैं ये नहीं बता पाऊंगी और मैं घबरा गई और वहां से भाग गई। हाँ ठीक है, लेकिन एक कॉल भी नहीं किया ये समझाने के लिए? सैंटियागो मैं 3 हफ्ते बाद लौटी थी, लेकिन तुम लोग वहां से चले गए थे और कोई तुम लोगों के बारे में नहीं जानता था, और जो जानते थे उन्होंने नहीं बताया। बहुत देर हो चुकी थी, तुम मेक्सिको से जा चुके थे। जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा तो तुमसे मिलकर तुमसे बात करना चाहती थी मैं, पर मुझे लगा तुम मुझे मरा हुआ समझते हो। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं गुस्से में था, मेरे डैड गुस्से में थे, उसी गुस्से में मर गए। आप पर, सब पर, दुनिया पर गुस्सा। आपको बहुत चाहते थे। मुझे माफ कर दो। सब ठीक हो जाएगा मॉम। मैं भी खेलूं? क्यों नहीं, मुझे पास करो। पास करो इस तरह। मुझे पास करो। वो कौन है?
एनरिक का बड़ा भाई है। गोल! ये! क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मतलब मुझे चेहरे पर कुछ रैशेस हो गए थे, शायद किसी एलर्जी की वजह से। ये उसी के लिए है। तुम्हारे चेहरे पर रैश आ गई है? Well, बस थोड़ा सा इरिटेशन है। ये तो अजीब है। एक बात कहूं, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं, मुझे रिंकल्स हो रहे हैं। कोई रैश वैश नहीं है, मुझे बस रिंकल्स हो रहे हैं और कुछ नहीं। क्या? मेरे पैरों पर क्रैक्स है, रिंकल्स हो रहे हैं। इस सीजन के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा कि मुझसे जो बन पड़े मैं वो करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा खेल बंद हो जाने के बाद मैं करूँगा क्या। तो तुम फेस पैक लगा रहे हो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए? Well, ऐसा नहीं है, I mean, ऐसा ही कुछ। वाह, नहा के हो जाए तो बता देना, ओके? हाँ ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। हाँ, दादी माँ, सेंटीन ने मैसेज भेजा है। हाँ, मेल आया है। ये कौन है? तुम्हारी माँ और सौतेला भाई है। ओ, बॉस, देखो मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ओके। क्या बात है? क्या फाइनल में मुझे स्टार्ट में रखेंगे? मुझे बेंच पर बिठाइए, गवीनो को खिलाइए प्लीज। अगर उसने फाइनल में अच्छा खेला तो उसे इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में मौका मिल सकता है। छोड़ दीजिए, वापस कॉल करेंगे। हे, मैं हूँ। तुम्हें पता है मुझे ये सब नहीं आता, पर इससे पहले कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम खेलूं, मैं तुम्हें कॉल करके अपनी बात बताना चाहता था। प्लीज एक बार सुन लो। जब से यहाँ आया हूँ सब अजीब सा हो गया है। ये सारा पैसा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिना ये सब बेकार है। मैं अपनी माँ से मिला, यकीन करना मुश्किल है, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाने नहीं बनाऊंगा। सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए माफी मांगता हूं। तुम्हें खुद से दूर करने के लिए मैं ही पागल था। जानता हूं मैं पूरी तरह बहक गया था, पर मैं सब ठीक करना चाहता हूं। आई लव यू, प्लीज मुझे कॉल करो और बताओ कि क्या हम मिल सकते हैं। मुझे बस एक और मौका दे।
से। क्या बात है, प्रैक्टिस तो अच्छी हुई है तुम्हारी। ये पास का। अरे फोकस। चलो तुम्हारी बारी। ध्यान से, ध्यान से। हाँ इस तरफ, इस तरफ भी देना। क्या करते हैं? चलो खेलो तो, समय क्यों बर्बाद करो। जेंटलमैन, मुझे तुम पर नाज है। तुमने कर दिखाया चैंपियंस लीग का फाइनल, और ये मत भूलना कि तुम यहां क्यों हो। मैं चाहता हूं कि ऐसे खेलो जैसे खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। पैसे भूल जाओ, प्रेस भूल जाओ, कैमरों को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। एंजॉय। यही है वो इस प्लैनेट का सबसे बड़ा क्लब गेम, चैंपियंस लीग का फाइनल, रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल, जो हो रहा है बर्नाबो में। रियल मैड्रिड को लगता है कि उनके अपने ही घर में इस ट्रॉफी पर अपना नाम एक बार फिर से लिखवाना उनकी किस्मत में है। और देखिए आज यहाँ कितने बड़े सितारे मौजूद हैं इस शो में। इस गेम में कितने मैच विनर्स हैं, पता नहीं इनमें से कौन होगा वो खुशनसीब स्टार जो आज ये ट्रॉफी घर ले जाएगा। क्या वो हेनरी है, फैब्रेगास या टीजे हार्पर? रियल मैड्रिड को देखिए, कितने सारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेकहम, जिडान और हाँ फुल फॉर्म में गैविन हैरिस। तुम मुझसे बच के रहना। तो वो मुनियेज और हैरिस के गोल थे जिनसे रियल मैड्रिड फाइनल में पहुंचा। लेकिन सर गैविन हैरिस का नाम स्टार्टिंग लाइनअप में है जबकि मुनियेज बेंच पर बैठे हैं। नाम और शोहरत बस एक हाथ की दूरी पर है आर्सेनल और रियल मैड्रिड के फुटबॉलर से। वो शुरू हो गए हैं यहाँ इस खचाखच भरे बर्नाबो में। और गैविन हैरिस ने एक हल्का सा टच किया लेकिन बॉल पहुंची हार्पर के पास। हार्पर बॉल के साथ आगे बढ़ते हुए पहले ही मिनट में और ये गिर पड़े। रेफरी ने पेनल्टी दी। ओ नो पेनल्टी। मुझे यकीन नहीं होता कि हैरिस को कैसे फंसाया गया। अब ऊपर से येलो कार्ड। बॉल का कब्जा कीजिए हार्पर को दे दिया गया। वापस लेने की कोशिश की और बदले में फाउल दे दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये वाकई फाउल था। टीजे हार्पर आगे बढ़कर पेनल्टी लेंगे। आर्सेनल के लिए एक ड्रीम स्टार्ट की तलाश में। इन्होंने पेनल्टी के लिए डाइव करके हैरिस को भले ही फंसाया हो लेकिन क्या पेनल्टी थी। कसियास के पास कोई मौका नहीं। गोली के लेफ्ट में एकदम नीचे से एकदम परफेक्ट पेनल्टी। रियल मैड्रिड के लिए ये ड्रीम फाइनल अब डरावना फाइनल बनने जा रहा है। आर्सेनल एक बार फिर से मैदान में। उसे एंटोनियो रियस, थियरी हेनरी को पास किया। वो ये स्कोर करना चाहिए था थियरी हेनरी को। अच्छी जंप, बॉल को कीपर के पास जाना चाहिए। रियस का बेहतरीन क्रॉस था, बहुत ही अच्छा क्रॉस था, गोल हो सकता था, स्कोर 2-0 होना चाहिए था। रियल मैड्रिड के स्टार्स पर नॉर्थ लंडनर्स का साया पड़ रहा है। हेनरी का पास रियस को। कसियास ने एक बार फिर शानदार सेव किया रियल मैड्रिड के लिए। दरअसल कसियास अपनी टीम के स्टार्स को बचा रहे हैं इस वक्त। आर्सेनल के नौजवान उभर कर सामने आ रहे हैं। आर्सेनल के फॉरवर्ड एक के बाद एक हमले करते हुए, इस बार फ्रेडी ल्यूनबर्ग है और ये बाहर आए कसियास। रियल मैड्रिड के लिए वो वाकई में मैन ऑफ द मैच साबित हुए हैं इस फर्स्ट हाफ में। रियल मैड्रिड हाफ टाइम विसल की वजह से बच गए। ये पहला हाफ उनके लिए बहुत ही बुरा साबित होता हुआ। हाफ टाइम में बदलाव तय है। मुनियेज तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना है। लड़की क्या हुआ, परेशान हो गए? बंद करो अपनी बकवास वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ अभी दिखाता हूँ तुम्हें, अभी दिखाता हूँ। नहीं छोड़ो उसे, उसके भूख मत लगो। चलो यहाँ से, तुमसे डरता नहीं, कहता हूँ चलो यहाँ से। टीजे ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं जानता हूँ बॉस, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तुम जाकर अपना जलवा दिखाओ, मैं सैंटी को वापस ला रहा हूँ, तुम उसकी जगह खेलोगे। अब जाओ यहाँ से और अपनी मर्दानगी साबित। लेकिन वैसा नहीं जिसकी हमें उम्मीद थी। मुनियेज मैदान में आए हैं लेकिन वो गैविन हैरिस का साथ देने आए हैं। मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल को इस बात का अंदाजा भी होगा। बिल सोचता हूँ इस जोड़ी के बीच खेल कैसा होगा। उन्हें एक दूसरे को बहुत जल्दी समझना होगा। न्यूकासल के दिनों के बाद से वो कभी मैदान में एक साथ नहीं रहे हैं। आर्सेनल के लिए खुशियां एकदम करीब है ना। यूरोपियन कंट्री की हिस्ट्री में पहली बार जीतने से सिर्फ 45 मिनट दूर है। फैब्रेगास ने ऑनवे को पास किया। बहुत ही तेज और मजबूत दौड़ लगा रहे हैं ऑनवे।
एकदम लाजवाब। और ये 2-0 आर्सेनल के लिए। दिखाएंगे चकमा देते हुए ऑनरे बॉल दी फैब्रिगास को, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। मैं सोच रहा हूं कि रियल मैड्रिड अपना असली खेल कब शुरू करेंगे। बिल आर्सेनल इस वक्त 2-0 से आगे हैं और लगता है कि वो अपनी लीड और भी बढ़ा सकते हैं। रियल मैड्रिड का हमला जिडान बेकहम अपने लेफ्ट साइड की ओर चाहते थे, रोनाल्डो, ये सब नाम जिनके बारे में आज बहुत कम सुना है। ये आगे बढ़े रोनाल्डो, लेकिन मीमन उनसे पहले पहुंच गए। आर्सेनल ने इस कॉम्पिटिशन में अपने खिलाफ एक भी गोल नहीं होने दिया है और अब तक इस गेम में भी लगता है इस सफर का अंत उनकी जीत से ही होगा। ये रहे रॉबी वान पियर्स, चलो निकाल के गोल करो। एक बार फिर कसियास और अगर आज कसियास न होते तो आज उनकी बहुत बुरी हार होती। ये मैड्रिड के लिए बहुत शर्मनाक। रियल मैड्रिड के सभी स्टार्स की आंखों में बेचैनी और साथ ही बर्नबाउ में मौजूद इतने सारे लोगों की भी। डीजे हार्पर ने आर्सेनल के लिए शुरुआत की थी। यह सिसिनियो फॉरवर्ड रियल मैड्रिड की ओर से आर्सेनल के पास वापस। अलेक्जेंडर हलेट ने बॉल उछाली ऑनरी की ओर। रियल मैड्रिड इस गेम में अपने पैर जमा ही नहीं पाया है। रियल मैड्रिड का डिफेंस थियरी हेनरी को रोक नहीं पा रहा है और एक और पेनल्टी ले ली। और मैं देख रहा हूँ कि फ्रेडी ल्यूनबर्ग ने पीछे से हमला कर दिया है और इसमें कोई शक नहीं कि यह फाउल ही था। बदले में मिली पेनल्टी। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं रियल मैड्रिड के लिए। और ये गोल हुआ तो 3-0 और ये याद दिला रहा है पिछले सीजन में बार्सिलोना की हार की। अगर डीजे हार्पर ने सही निशाना लगाया और गोल किया तो रियल मैड्रिड के लिए और कोई उम्मीद नहीं बचेगी। बचा लिया सीधे पार पर। कसियास ने एक बार फिर रियल मैड्रिड के लिए अपना फर्ज निभाया। दुनिया इस ढूंढ रहे हैं हैरिस को, जो मैदान में सबसे दूसरे छोर पर है। आर्सेनल ने यहाँ गलती कर दी। उनके कई खिलाड़ी फॉरवर्ड हैं। केविन हैरिस अकेले ही गोल की ओर बढ़ते हुए। रियल मैड्रिड की जोरदार वापसी और ये गोल। शायद वो फिर से मैच में वापसी कर सकते हैं। बेकहम, उन्होंने हैरिस को चुना। मुनेस बॉल मांगते हुए। आखिर उनकी पार्टनरशिप शुरू हुई है। मुनेस का शॉट। क्या सेव था लेमन का, कमाल। मुनेस की एक क्लोज इन वॉली। आखिर हैरिस और मुनेस वाकई तालमेल दिखाते हुए, ये दोनों साथ में खेलना जानते हैं। वक्त गुजरता हुआ ग्रेगसन आगे बढ़ते हुए रियल मैड्रिड के लिए। आर्सेनल पहली बार इस मैच में जबरदस्त प्रेशर में। और ये सिसिनियो, वो जानते हैं कि आर्सेनल जबरदस्त प्रेशर में है। और ग्रेविसन साथियों का जोश बढ़ाते हुए, वो जानते हैं ये कितना जरूरी है। मैच अब भी जीता जा सकता है। प्रॉब्लम्स रही है, इतने सारे क्रॉसेस आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और अपना जोश दिखा रहे हैं। अब बस 2 मिनट बचे हैं इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी चैंपियंस लीग फाइनल को खत्म होने में। सिर्फ 2 मिनट। रोबर्टो कार्लोस ने बॉल को लॉक किया। रियल मैड्रिड के लिए करो या मरो। जीत सकते हैं। आप
आखिरी पलों में एक बार गोल कर दिखाया, क्या वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं? सूची हैरिस का हल्का सा पुश और ये आए सैंटियागो मुनियेज, उन्हें क्या आ गया? फ्री किक रियल मैड्रिड। इस स्थिति में अगर किसी की जरूरत है तो वो है सिर्फ डेविड बेकहम। मौका भी है, वो भी है। रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जिताना अब बेकहम के हाथ में है।